हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस सायरा बानो के फैंस के लिए बुरी खबर है। खबरें हैं कि दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो को ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल में कमी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि दिलीप कुमार का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था। उसके बाद से ही सायरा बानो खबरों से दूर हैं। लेकिन अब खबरें आ रही है कि सायरा बानो की तबीयत काफी क्रिटिकल है। बताया जा रहा है कि वो 3 दिन से मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हालत बिगड़ने की वजह से आज उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार की मौत के गम की वजह से सायरा बानो सदमे में थीं और वो अक्सर दिलीप साहब को याद करके भावुक हो जाया करती थीं और इसका ही असर उनकी सेहत पर भी पड़ा है। साथ ही वो डिप्रेशन में भी चली गई हैं और उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सायरा बानो का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है और शुरुआती जांच में पता चला है कि ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके बाद डॉक्टर सभी ज़रूरी टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सायरा बानो के सेहत की खबर ने फैंस को काफ़ी परेशान कर दिया है और फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बीते सालों में सायरा बानो दिलीप कुमार के हमेशा साथ खड़ी नजर आईं, लेकिन दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। 1966 में सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल की थी और अभी सायरा बानो 77 ईयर्स की हैं और काफ़ी एज होने की वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सायरा बानो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएँ एंड वी विश हर अ स्पीडी रिकवरी।